हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या शिकायतें हैं और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी। हमारा समस्या है दिल्ली लेवल पे, जो बहुत कठिन समस्या है, रोजी रोटी से मैटर है। और हम लोग जो है काफ़ी सालों से हमारी संगठन जो है लोगों को रेहड़ी पटरी पे लाइसेंस दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पूर्व की भी जो भी सरकारें आई ना उन्होंने ध्यान दिया, और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत जो है टाउन बेंडिंग जोन जो है का गठन हुआ है और उसमें कुछ सर्वे हुई है, लेकिन वो सर्वे अभी चल रहा है और वो सर्वे के माध्यम से ये देखना है कि किस तरह से इसको सरकार जो है कैसे लोगों को लाइसेंस देती है, किस तरह से लोगों को स्थापित करता है, वो तो देखने की बात है। तो आप जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वनिधि रोजगार योजना थी, क्या उसका लाभ भी यहाँ दिल्ली में आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, वो कुछ परसेंट को मिल रहा है, लेकिन उनको भी जो है इतनी सारी कठिनाई आ रही है कि कुछ आदमी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी जो है लोन नहीं मिल पा रहा। तो आप यहाँ पर आए हैं मिश्रा जी के पास लोक जनशक्ति कार्यालय इस मदद की अपेक्षा से कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों के साथ अनियमितताएं हो रही हैं, लोगों को न्याय मिल सके। जी जी, हम बहुत आस लगा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पूर्व की सरकार लारा लप्पा सुना करके ठगते आ रहे हैं, तो यहाँ से जो है हमें कोई रास्ता जो है हम लोगों का बनना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी एक बहुत बड़ी मैटर होती है। और देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि दिल्ली के पॉपुलेशन में पूर्वांचल समाज है जो रेहड़ी पटरी ज्ञापन करके अपनी रोजी रोटी या आजीविका चलाते हैं। विधानसभा में 50% नेता हमारा है, लोकसभा में 50% हमारी नेता है, लेकिन देश के राजधानी में रोजी रोटी और मूलभूत अधिकार से हम लोग वंचित है। न हमारे पास रोटी है, न कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, सारी चीज़ों से जो है और काफ़ी सालों से वंचित है। हमने सुनी श्री गोनर महतो जी की समस्याएं, अब इसके बारे में भी हम मिर्सा जी से थोड़ी बात करेंगे। मिर्सा जी, जैसा कि अभी महतो जी बता रहे थे अपनी समस्याएं, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी और आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी का शुरू से मानना है कि गरीब गुरबा जितने भी हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे किसी वर्ग के हों, जो गरीब है उसकी लड़ाई हमेशा ही लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी है। गोनर साहब मेरे पास आए महतो जी और इन्होंने बताई है मुझे समस्या, अभी कई चीज़ों पे बात होनी है। जो भी इनकी समस्याएं, असल में इनकी समस्या तो सरकार से है ही, वो MCD और पुलिस भी बहुत तंग कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार तो इनके साथ अन्याय कर ही रही है, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और MCD इनको बहुत ही तंग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इनसे बात करते हैं, अपनी लीगल टीम से बात करते हैं और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नॉलेज में देते हुए इसमें हम लोग बड़ी आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बड़े रूप से, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले यूपी बिहार के लोग ही लगाते हैं, और चाहे किसी भी देश राज्य के हों, लेकिन जो हम गरीब की लड़ाई है वो लोजपा लड़ेगी और बहुत ताकत से लड़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये वो लोजपा नहीं है, ये नया लोजपा है। सरकार सुधर जाए, पुलिस सुधर जाए और MCD सुधर जाए। अगर गरीबों को ये तंग करेंगे तो इनको औकात पता लग जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या कर सकती है। रोड से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक जगह नहीं मिलेगी इनको भागने की। इसलिए हम लोग गरीब की लड़ाई लड़ेंगे और अभी आए हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते हैं 2-4 दिन में। मैं उनसे पूरा इस समस्या का जानकारी देख के उस लीगल टीम से भी ओपिनियन लेके और फिर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो सरकार द्वारा जारी योजनाएं हैं, इन जैसे गरीब लोगों के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ दिलाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो जानकारियां हैं वो इन लोगों तक पहुंचाते हैं, जो इनमें जो जैसे हो जाएगा कहां से होगा ये जानकारी इनको देना बहुत। असल में क्या है कि हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, हर जगह ठग बैठे हुए हैं, वो लोग जो इन तक अच्छी चीज़ें पहुँचने ही नहीं देते।
तो हमारे जो वर्कर हैं, जो लोजपा के वर्कर हैं, वो इनको बताएंगे, वो इनको समझाएंगे कि इस जगह से ये हो रहा है, इस जगह से ये हो रहा है, और जो भी बेनिफिट सरकार का है, जो भी उनका वो आता है, वो हम लोग लागू करवाएंगे। तो हमारे शंकर मिश्रा जी देख बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के पार्टी है और गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। वो चाहे किसी देश के किसी हिस्से के हों, किसी कोने से आए हों, अगर वो वंचित हैं, शोषित हैं और उनके साथ परेशानी है, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी में कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं और लोजपा उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, खड़ी रहेगी।